सवाल बार बार उठता है ना कि इतने सालों से भी एमएसपी को लेकर कहीं पर कोई कानून तो था ही नहीं, तो ये जो कहा जा रहा है कि एमएसपी हटा दिया, हटाने की तो कोई बात ही नहीं थी, एमएसपी किसी लिखित कानून में तो पहले से नहीं था ना। नहीं तो जब नए, मैं ये कह रहा कि अब नए कृषि सुधार बिल लेकर आए हैं ये, तो इसमें क्यों नहीं जोड़ा? मैन तो कानून का भी मसला उसका था ना, एमएसपी का भी मसला, उसमें जोड़ा क्यों नहीं उन्होंने? ठीक है, मतलब उसको तो बगल रखोगे, सरकार कंपनियों को लूट का रास्ता खोल लेंगे, किसानों पे देश में लॉकडाउन करेंगे, नए बिल लेकर आओगे आप, किसानों से आप बुझोगे नहीं क्या? किसी किसान से जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उससे बुझा के उसके हालात क्या है? आप हमारा तो हिसाब करवा दो, हम तो अपना हिसाब मांगने आए, जो हमारे जो बच्चे हैं वे हिसाब मांगने आए, जिनको ये कहते हैं कि पेंट पहन के आ रहा है ना, वो हिसाब मांगने आया। हमारे बुजुर्ग वालों को तो रखा खेत में काम करने के लिए, जंगल तोड़ने के लिए, कि आप तो जंगल तोड़ो, खेती करो और देश को अनाज दो। 1967 में पहली बार देश में लेवी लगी कनक, उन्हें 76 रुपए क्विंटल का रेट भारत सरकार ने तय करा। जो मास्टर था, जो टीचर था, उसकी सैलरी 70 रुपया थी, वो एक महीने की सैलरी में एक क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। भट्टे की जो अपल ईट थी वे 30 रुपए की 1000 आती थी, हम एक क्विंटल गेहूं बेचते थे और 2500 भट्टे की ईंट ले आते थे हम अपने मकान बनाने के लिए। सोने का भाव 200 रुपया तोला था। ये बुजुर्गों और भट्टे, कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है, हमारा हिसाब करवा दो, हम चले जाएंगे। आज भी हमें 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना दिलवा दो, हम चले जाएंगे घर पर वापसी, हम सरकार को टैक्स भी देंगे, सारी चीज देंगे। हमारे बुजुर्गों और के साथ में जो इनको अनपढ़ रखा, स्कूल नहीं खोला, हमारी बातचीत हुई और हमने उनको बिल्कुल साफ ये कहा है कि आप, हमें बदलाव नहीं चाहिए, आप इन कानूनों को वापसी ले लो, एक नया बिल बना देंगे। भाई भूमि अधिग्रहण बिल जो बना वो सब लोगों की सहमति से बना, कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस की सरकार थी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी, वो बीजेपी से थी, हम लोग भी बैठते थे और एक ड्राफ्ट वहां पर जाकर देते थे, सुमित्रा महाजन के सामने हम भी गए, अपना प्रस्ताव हमने रखा, वो उन्होंने माना और पूरा सरकार ने माना और एक बेहतरीन भूमि अधिग्रहण बिल देश में बना, अगर उसको ठीक तरह से लागू करा जाए तो इसी तरह से। लेकिन उसका भी उतना ही विरोध हुआ, तो जमीन अधिग्रहण बिल का भी तो बहुत विरोध हुआ देश था। में नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी की जरूरत है, जब ही तो नया बिल बना। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने जब अमित शाह से, गृह मंत्री से बात की, उसी बिल में गृह मंत्री ने किन बिंदुओं पर, ठीक है एक बार उस चर्चा को समझे, क्योंकि उसी से समझ में आएगा कि समझौता और सुलह की परिस्थिति बन रही है, यानी आपने क्या क्या बातें कही गृह मंत्री से और किन बातों पर उन्होंने रिस्पांस दिया, हाँ ना क्या कहा उन पर? हमने ये कहा कि आप इन बिलों को वापसी ले लो, उन्होंने कहा कि हम एक बढ़िया ड्राफ्ट बना के आपको कल भेजते हैं, तो हमने कहा भी जो ड्राफ्ट बनाओगे उस पर हम सलाह कर लेंगे। अमित शाह भी थे मंत्री, सब लोग मंत्री थे उसमें, नरेंद्र सिंह भी थे, पीयूष गोयल भी थे, हम लोग भी थे, 13 लोग थे जो कमेटी ने वहां पर डिसाइड करके भेजा था, और एक अच्छे उसमें बातचीत हुई। ये भी उन्होंने कहा कि आपका आंदोलन पीसफुली है और कोई उस तरह का वो नहीं है, अपने आंदोलन को पीसफुल आप चलाओ उसको, और हम एक ड्राफ्ट भेजते हैं, हमने कहा कि आप ड्राफ्ट भेजो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो उन्होंने ड्राफ्ट भेजा, ड्राफ्ट को पढ़ा गया, तो ड्राफ्ट में ये हमको उम्मीद थी कि बिलों को वापसी लेने की बात करेंगे, वो उसमें थी नहीं कहीं। और सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि बिल वापसी हो जाए शांतिपूर्ण तरीके से, हम इसका हल चाहते हैं, हम बातचीत से हल चाहते हैं। और जो किसान यहाँ पे आया है ये कोई इसी देश का किसान है, ठीक है, पंजाब जब तो बहुत बढ़िया लगता है, जब देश में गेहूं की कमी थी 2007 में, और जब बात हुई पंजाब, भारत सरकार ने जब बात करी कि पंजाब हमको गेहूं दे दें, आज पंजाब हरियाणा इन स्टेटों ने हम गेहूं दिया देश को, 2007 के बाद में आज भी देश में गेहूं की कमी नहीं रही, तो ये यही तो स्टेट थी, यही तो किसान था। हमको तो जो सरकार चाहिए हम उत्पादन करके देंगे ना उनको, ठीक है। एक आखिरी सवाल, भाव तो दे दो हमको जाके, वो जोतों के गांव में आपके हालात क्या है, कोई जाए तो एक बार हमारे पास। जी एक आखिरी सवाल आपसे, अब आप लोग क्या चाहते हैं, तीनों कृषि कानून रद्द हो, ये तो आप बार बार कह रहे हैं, उससे कम में मानने को तैयार नहीं है, मेरा सवाल है उससे आगे क्या फिर आप लोग चाहते हैं, एक नया कृषि बिल बने और उस कानून में की ड्राफ्टिंग में कमिटी में कौन कौन शामिल हो, क्या चाहते हैं आप, क्योंकि आपने कहा एक सेकेंड स्टेक होल्डर्स भी शामिल होने चाहिए,
हर तरह के लोग शामिल होने चाहिए, कौन कौन शामिल हो उसमें नए कानून बनाने में? हो जाए अभी ये बिल वापसी हो जाए, किसानों को जिससे भी जिसको भी ये चाहेंगे वो शामिल कर लेंगे, पहले बिल वापसी हो जाए और नया ड्राफ्ट एक फिर बना लेंगे, एक बढ़िया ड्राफ्ट बनाएंगे देश के लिए।